अस्सलाम वालेकुम, दिस वीडियो इज़ पार्ट टू ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट्स। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस पाथवे के थ्रू जाता है वाटर और इन पाथवेज में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। और जिस तरह से ये है कि रूट्स में वाटर एब्जॉर्ब होता है, एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वहाँ से कॉर्टिक्स, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल एंड फाइनली टू जाइलम सेल्स जाता है, ठीक है। अब इन पाथवेज में एक तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दूसरा ये कि जो ये डायग्राम्स होती हैं ना, इनको मस्त देखा करें। इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई होती हैं जो कि आपकी थ्योरी में नहीं होती, लेकिन उनसे जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, तो अब जो है एपोप्लास्टिक पाथवे जो है ये आपका ओनली नॉन लिविंग पाथवे है, बाकी जो दोनों सिम्प्लास्टिक एंड ट्रांससेलुलर पाथवेज हैं ये लिविंग पाथवेज हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एपोप्लास्टिक पाथवे है वो किसके थ्रू वाटर मूव करता है, सेल वॉल में मूव करता है, क्योंकि हमें पता है कि सेल वॉल जो है वो सेल का डेड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो सिम्प्लास्टिक एंड ट्रांससेलुलर है इनके भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह से वाटर मूव करके जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं थ्योरीज़ पे। अच्छा, अब थ्योरीज़ में ये है ना कि क्योंकि ये मैकेनिज़म्स होते हैं, तो मैकेनिज़म्स को और थ्योरीज़ वगैरह को आप ऐसे याद किया करो कि उनके फ्लो चार्ट्स बना लिया करो, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे, ठीक है। अब जिस तरह से स्टार्च शुगर थ्योरी है, इसमें मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ऐसे होते हैं कि प्लांट सेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है और पीएच इंक्रीज़ हो जाता है, और पीएच इंक्रीज़ हुआ तो फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, स्टार्च जो है ग्लूकोज एंड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज जो है क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ज़्यादा हुआ तो कंसेंट्रेशन ऑफ सेल सैप इंक्रीज़ हो जाएगी, कंसेंट्रेशन हमें पता है ज़्यादा होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट भी जो है वो भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन कर जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये पोटाशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी भी है कि स्टार्च जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है तो फॉस्फोरिलेटेड हेक्सोजेस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फॉस्फोरिलेटेड हेक्सोजेस जो है फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, पाइरुविक एसिड फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन, हमें पता है जो एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है ना, इसलिए मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है वैसे तो गार्ड सेल में ज़्यादा होता है और एपिडर्मल सेल्स में कम होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर ये मूव करेगा, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो गार्ड सेल से मूव करेगा टू द एपिडर्मल सेल्स, तो इसकी एक्सचेंज में जो पोटाशियम होगा एपिडर्मल सेल्स में वो मूव करेगा गार्ड सेल्स में। अब गार्ड सेल में पोटाशियम और मैलेट आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और इसी का रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो अपने पास फ्लो चार्ट्स बना लिया करें, ताकि अपने मतलब इन मैकेनिज्म्स के साथ ही बना लिया करो, ताकि जब आप पढ़ो तो फिर आपके लिए पढ़ने में आसानी हो। इसके अलावा जैसे ये वाला मैकेनिज्म है, इसके लिए आप डायग्राम को देखो साथ साथ और देखो कि कैसे जा रहे फ्रॉम सोर्स टू द सिंक में जो शुगर है हमारी वो कैसे जा रही है, ठीक है। इसके बाद होमियोस्टेसिस में आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का आपको पता होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इस सॉल्यूशन में पुट किया तो ये सेल स्वेल करेगा या फ्लैसिड हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, इस तरह से, ताकि ये वाली चीज़ें आपको आएँ। उसके बाद आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में आपको ये वाली चीज़ें तो पता होनी चाहिए, देखने में तो बहुत आसान लगता है। अब क्या है कि जो हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स वगैरह हैं, इनकी सारी की सारी एग्जांपल्स आपने याद करनी है, सिर्फ कुछ नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है और हो सकता है आपको एट दैट टाइम कुछ याद ना आ रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे याद करनी है, कि ये हो गए हाइड्रोफाइट्स ना, इनके लिए ऐसे पोटैटोज ग्रोइंग इन अ वैली ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रो का हमें पता है वाटर को कहते हैं ना, तो पोटैटोज जो है पोटामोगेटन ग्रोइंग द वैली, वैली में जो वी जो है वेलेसनेरिया को, इज दैट मीन, यस इट इज़, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, और वाटर जो है या तो हाइड्रोफाइट्स या फिर हाइड्रिला, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल कर लो। उसके बाद जो आपके मीजोफाइट्स हैं, इनकी एग्जांपल्स जो आपके डेली लाइफ में आप देखते हो कि क्या क्या चीज़ें ग्रो करनी है, वो ये होती हैं, ठीक है। अब ज़ीरोफाइट्स पे आ जाते हैं, ज़ीरोफाइट्स में कैक्टस और एलो का तो हमें पता है कि ये कैक्टस और एलोवेरा का तो हमें पता है वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा की जो एग्जांपल्स आ जाती हैं उनको ऐसे याद करो, जिजी ऐसे रस्क ओपन, सॉरी जिजी आके रस्क ओपन करके खा लो, ठीक है। अब जिजी समझो किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है या लड़के का नाम है, ठीक है। तो जिजी जो है नाम हो गया, आके ए सी ए जो है वो एकेशिया को रिप्रेजेंट करेगा, रस्क जो रस्क होते हैं वो रस्कस को रिप्रेजेंट करेगा, ओपन जो है आपका ओपनशिया को, और खालो जो कैलो है वो कैलोट्रोपिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएंगे आपकी ज़ीरोफाइट्स की एग्जांपल, एंड एट द एंड हेलोफाइट्स की एग्जांपल आ जाती हैं। अब हेलोफाइट्स की एग्जांपल में राइजोफोरा एंड साल्सोला होता है, ठीक है। अब राइजोफोरा और रस्कस में कन्फ्यूज़ नहीं होना, रस्कस जो है वो ज़ीरोफाइट्स के लिए, जबकि हेलोफाइट्स में राइस है, ठीक है, सॉरी राइजोपस है। अब ऐसे साल्ट इन राइस, ये मैंने ऐसी स्पेलिंग लिखी है, लेकिन ये जो है राइस को सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इसको राइस बना लेते हैं, ठीक है।
तो अब क्या है कि साल्ट को हमें पता है, साल्ट सोला हेलोफाइट्स हमें पता है साल्ट में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, तो साल्ट सोला तो आसान हो गया ना कि वो हेलोफाइट होगा। और फिर राइजोफोरा, साल्ट एंड राइस अगर हम लोग कर लें तो राइस जो है राइजोफोरा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।